नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमानको स्वागत करुची भाग्य भविष्यत लाइफ को। दर्शक बंधु, आपमानकर प्रश्न, आपमानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत। आपमानकर जत प्रश्न रहुची, समस्या रहुची, ताले स्क्रीन रे फ्लाश होतो नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमती कि आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय रे विवाह उपर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख उपर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य जीवन आपत मिल लाइफ पार्टनर केमती रे केमती आटीच्यूड रो लव मेरेज करेंगे कि आरेंज मेरेज फोकस करेंगे कहीं मेरेज विलंब होहेतुक विलंब हमारे कारण कौन रोचे आप जतक बहुत समय आप प्रश्न आसपाई बहुत विषय अधिक प्रश्न आसब जिन को लेकिन आलोचना करवा बहुत जो आप प्रश्न आसक देखा दरकार जतक लग्न को कहीं लग्न आपे आप मेरेज लाइफ लग्न को मुख्यतः देखा दरकार लग्न जहाँ भी आप एफर्ट रोचे जहाँ भी आप कार्यकलाप रोचे जहाँ भी आटीच्यूड रोचे देखापी लग्न को देखो लग्न के स्ट्रंग अच्छी लग्न उपर के बेनिफिक प्लानेट्र इनफ्लुएंस रोच शुभ ग्रह प्रभाव के लग्न उपर लग्न केंग अच्छे सेभेन्थ हाउस आप मेरेज पार्टनर हाउस सेभेन्थ हाउस जो बहुत स्ट्रंग अच्छी तेल मेरेज लाइफ आप बहुत स्ट्रंग रेकेंड हाउस आप स्थान सेकेंड हाउस आप कुटुंब स्थान सेकेंड हाउस जदि पजिट प्लानेट रोचे पारिवारिक सुख शांति बहुत पजिट रुक पर सदस्य सहित आप मेरेज कंफर्टेबिलिटी बहुत भल रोत भल आप सपोर्ट करेंगे आप मेरेज लाइफ को बहुत भल जोग रही सेकेंड हाउस आप स्ट्रंग अच्छी तेल बहुत भल पर आपंकर जहाँ भी आप मेरेज कर मेरेज पर सेकेंड हाउस को मुख्यतः देखा दरकार फोर्थ हाउस को मुख्यतः देखा दरकार जड़े कलर जड़ कटक रु सहित कथ हेलो 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 सर प्रणाम नमस्कार कौन तो कावेश जानी पे सुमुमु भवन विषय रे जानवा को चाहम थे कौन तो जन्म तारीख हो छी अक्टूबर 21 तारीख 2003 अक्टूबर 21 2003 समय हो छी 10:27 रात्रि जन्म स्थान कौन तो जन्म स्थान कटक कौन जाने चाहुचंती आपण सर तार बे प्लस 2 सरीला से बीएससी नर्सिंग अप्लाई करची अच्छा केमती कोन रहबो तार भविष्य त जॉब आगु को केमती कोन हबो अच्छा से जाने चाहुची ठीक अछि ठीक अछि ग आपण को देखिबा हॉरोस्कोप देखिबा लग्न उपकर मिथुन लग्न लग्नाधिपति बुध आपण हॉरोस्कोप रे जे तो 5th हाउस रे पोजीशन रखु छी 5th हाउस आपन को एजुकेशन हाउस 5th हाउस रे जेतु लग्नाधिपति इन्फ्लुएंस रहउची बुध सूर्य शुक्र केतु रो कंजक्शन होउची 5th हाउस रे बहुत स्ट्रंग चंती आपन ओ टेक्निकली मध्य बहुत स्ट्रंग चंती जा भी पढापडी करचंती बहुत पॉजिटिव चंती जेतु चंद्र बृहस्पति रे जुग मध्य आपन को जातक रहउची आपन को राशि नक्षत्र रहउची मघा नक्षत्र सिंह राशि 10/5 अधिक स्टेट फॉरवर्ड रहउची पिला अधिक अनिश्चित प्रत्येक कार्य अनेक साहय करवा डेडिकेशन प्रत्येक कार्य प्रति रोच पिलार समर्पण भाव लाइफ रिलापाई वर्तमान समय देखा शुक्र बुध चली आप बीएससी नर्सिंग करने को चाहते नर्सिंग करने आप जतक बहुत भल जोग अच्छे कहीं 6th हाउस लॉर्ड मंगल भाग्यस्थान में पोषण नौ लग्नाधिपति बुध आप जतक 5th हाउस पोषण नौ आप राशि रोचे सिंह राशि सिंह राशि लॉर्ड मध्य 5th हाउस जेहतु इनफ्लुएंस करुच्ची बहुत स्ट्रंग अच्छा आप आप एजुकेशन बहुत स्ट्रंग अच्छे किंतु कनसेट्रेसन लेक कर प्रपर्ली आप कनसेट्रेट करफ्यूज होती बहुत समय एजुकेशन को लेकिन प्रपर्ली फोकस करसेट्रेसन लेक कर पढ़ापढ़ी प्रपर्ली फोकस करेगेटिव रोच बहुत समय कनफ्यूजन आसी जाऊँ को येस नोर कम्बेसन अधिक रोच प्रत्येक समय किसी डिशन नहीं जाते हरिनेस जो शीघ्रता जो जोटा कि नेगेटिव ही होपन को वर्तमान समय एजुकेशन फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार आपण करूँ राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर में येलो शेफर पिंधतु एवं राइट हैंड रो लिटिल फिंगर में मून स्टोन पिंधतु मानसिक स्थिरता पाई
एवं बहुत भल कंसंट्रेशन बहुत पॉजिटिव रहिबो। ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करंतु, येलो कलर, ग्रीन कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करंतु। बहुत भल फ्यूचर अच्छी, बहुत भल एजुकेशन पाई परिबे आपण। आउ जने कलर जड चंतांग से कथा बा। हेलो नमस्कार, कौन तो काविश जानिबे? 30 अगस्त 1999 समय कौन तो? राती 11:25। जन्मस्थान कौन तो? हेलो अग्या। जन्मस्थान कौन तो अग्या? जाजपुर अग्या। अग्या कौन जाने हो चाहूँ चुनती आपनों? अग्या ता विवाह केबे होबो? अच्छा ठीक अच्छे। अज्ञा आप सब देखा मेरेज पर आप प्रश्न हूँ आप लग्न वृष लग्न लग्नाधिपति शुक्र आप घरस्कोप जेहतु फिफ्थ हाउस पोजिशन रखुच शुक्र दाम्पत्य सुखर काराग्रह स्पाउस काराग्रह मेरेज पर सेभेन्थ हाउस को फोकस करवा सेभेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच मंगल सूर्य चंद्र एवं केतुर कंजक्शन होगेटिव कंजक्शन हो जोटा कि नेगेटिव रोचे मंगल दोष को क्रिएट कर मेरेज हेपाई कि ना कि आप स्ट्रगल करेंगे मेरेज जहाँ भी प्रोसेस कर स्लो हो जाए आग को बढ़ी पार ना जेहतु मंगल दोष अधिका रोचे मंगल जेहेतु आप फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे अधिका स्टेट फरवर्ड रोच पा जहाँ भी आप कथबार्ता रखुच्छे प्रेजेन्ट कर स्टेट फरवर्ड ने किना कि नेगेटिव हो जाए मानसिक अस्थिरता लगिक रोच बहुत समय कन्फ्यूजन आसी जाऊँ करी कि करें भितर आप कन्फ्यूज होती प्रॉपरली डिसीजन नहीं पार ना लाइफ रे मैरिज रो काराग्रह जेहेतु शुक्र उपर शनि प्रभाव रोच मैरिज पर विलंब रपणकर वर्तमान समय जो देखा चंद्र बृहस्पति चली बृहस्पति 8th हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस पोजिशन रोच आप मैरिज आप रोच समय रोच 2022 जनवरी पर 9 जनवरी 2022 पर मैरिज पर जहाँ भी प्रोसेस करेंगे हो पार मैरिज आप घर टू दक्षिण दिगर आप मैरिज हम कि मैरिज पर गोटे प्रतिकार करूँ आपण वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजा विशेषकर पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्त अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारम सागर शिवकुलोद भवाम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करातु सप्तसिद्धि चंडी एवं मंगल विशेष उपचार पूजा केतु विशेष उपचार पूजा करातु बहुत शीघ्र मैरेज हे बहुत भल मैरेज पार्टनर मिल पार आपण को राइट हैंड लिटिल फिंगर मून स्टोन पिंधतु मानसिक स्थिरता एवं बहुत भल मैरेज लाइफ पर राइट हैंड आपण मिडिल फिंगर गोटे चिटकन पिंधतु मैरेज लाइफ पर दाम्पत्य सुख पर बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करूँ येलो कलर व्हाइट कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ। आउ जड़े कलर जड़ी भद्रकृता सहित कथा। हेलो हाँ सर नमस्कार। नमस्कार कौन तो काव्य से जानी पे? झियो विषय रे जानी मी। कौन तो जन्म तारीख? जनवरी 29 1999। समय कौन तो? दिन गुट्टे 44 मिनट। जन्मस्थान कौन तो? भद्रक। कौन जाने चाहूँ तो जिंक विषय रे आपण जानिबाकु चाहूँची तार कौन समय केते दिन जा भलो अछि अच्छा जीवन साथीटा किपरि पड़िबो अच्छा ठीक अछि ज्ञान आपण घरस्कोप देखिबा आपण लग्न वृष लग्न लग्नाधिपति शुक्र आपण घरस्कोप रे जेतु 10th हाउस रे पोजिशन होछि लग्न आपण निजे जाबि लाइफ रे आपण को मिलिबो जाबि डिजायर रखुचंती पाइया पई चेष्टा करचंती किंतु जहाँ भी आपड़ परिश्रम करश्रम रेजल्ट आप बहुत स्लोली मिलूँ मैरेज पर देखा सेभेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल 6th हाउस पोजिशन रखुच जेहतु स्वामी काराग्रह बृहस्पति आप जातक मीन राशि पोजिशन रखुच बृहस्पति नवांश उच्च अच्छी बहुत भल मेरेज पार्टनर आपको मिल पारे बहुत भल क्यारेक्टर रोत भल आटीच्यूड रहा जेहतु सेभेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल आप 6th हाउस पोजिशन नौ बहुत स्ट्रंग रहा मेरेज लाइफ किंतु वर्तमान समय नेगेटिव चलती जेहेतु शनि दशा कंटिन्यू करुच्ची आप शनि शनि वर्तमान समय चली जोटा कि नेगेटिव चलती आप मैरिज पर बहुत भल समय आस देखु बहुत भल अपॉर्चुनिटी रोचे आपन को 2022 नवंबर पर 20 नवंबर 2022 पर बहुत भल मैरेज युग रोचे आपन को
विशेष कर देखु घर उत्तर पूर्व दिगरे आप मेरेज हम मेरेज पर फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर येलो साफेर पिंधतु आप मेरेज लाइफ आप फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रहा रेड कलर को टोटल एवॉइड करूँ व्हाइट कलर सिल्वर कलर एवं येलो कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल मेरेज लाइफ रही आप आउ जड़े कलर जोड़ सहित कथा हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार कौन जानवे सर मो विषय जानिया पय चाहंतिले अच्छा कोन तो जन्म तारीख आपन कर सर 4/6/2004 4 जून 2004 समय कोन तो 7:15 सकाळे जन्म स्थान कोन तो सर गोपालपुर कोन जाने चाहंती आपन विषय रे सर मो एबे डिप्लोमा लास्ट इयर मन कंप्लीट हो जाउ अच्छा सर केमिति कोन जरूरत पड़ सर केमिति कोन से जाने चाहंती अच्छा 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 ठीक अछि ज्ञान आपनकर सब देखबा आपनक लग्न मिथुन लग्न लग्न अधिपति बुध आपनकर स्कॉर्पियो प्रे जे तो 12th हाउस रे पोजीशन नकुची बुध सूर्य एवं शुक्र रे कंजक्शन होची आपनक जातक रे बहुत भले इंडिविजुअल आपन जेतु लग्न रे शनि मंगल रे कंजक्शन होची प्रत्येक क्षेत्र रे आपन स्ट्रगल करचंती समस्या भितर को टाणी कि आसुचंती जा भी टेंशन होचंती देखि छें टेंशन नियंतो काहेकि ना आपनक राशि जेतु रहूची धनु राशि रे लॉर्ड बृहस्पति थर्ड हाउस पोजिशन हो बृहस्पतिर पूर्णतिथि रोच चंद्र उपर अधिका अनिश्चित आपण सहजरे अन्य को विश्वास कर सिक्रेट लिक् हो देखि चाहिए आप करूँ देखि चाहिए डिसन नि कहीं बहुत समय किसी ना कि ड्रेस आपंक बढ़ीज डिसन नहीं लस हो मानसिक अस्थिरता लग कि रोचे आपण को बर्तमान समय जो देखा शुक्र बृहस्पति चलती बहुत पॉजिटिव समय आपंकर एजुकेशन जोटा कि कंटिन्यू करुच्च आपण को 2022 November पर्यंत बहुत पॉजिटिव रोच जहाँ भी पढ़ापढ़ी बहुत पॉजिटिव रोज किंतु बृहस्पति उपर राहुल प्रभाव रोच कनसेट्रेसन लेक कर प्रपर्ली फोकस कर एजुकेशन ने से बर्तमान समय गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो साफेर पिंधतु आपको एजुकेशन आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव ब्लैक कलर को टोटाल एवॉइड करूँ ग्रीन कलर येलो कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस मिल पार आपण को तो दर्शक बंधु आलोचना कर जड़े कलर जोड़ सहित कथ हेलो नमस्कार कौन तो क्या विषय जानवे कहतु आप जन्म तारीख 22/7/1991 समय कहतु सर 12:30 दिन की राती सर राती सकाळ हेले केते तारिख रहूची सर सकाळ हेले बजे 23 तारिख होय सर ठीक कहचोंती शुक्रवार दिन हेलो 23 जुलाई आपण कहिले 1991 मंगळवार आसी आपणकर हां सर अच्छा जन्म समय कोंतु 12:30 सर अच्छा जन्मस्थान कौन तो? खोर्धा। आपों को राशि कौन तो? सिंह राशि। तुला राशि। नहीं अज्ञा आपों को बिछा राशि आसुचे। ठीक अच्छे। आपण आउ थरे कन्फर्म करंतु आपों को जन्म तारीख, जन्मस्थान एवं आपों को जन्म समय। आउ थरे कॉल करि परिबे हमको धन्यवाद। तो दर्शक बंधु आलोचना करशेषकर देखुंत बहु पर बहुत वैवाहिक सुख आपत मिल सब जिन देखुं आप जतकु लग्न को देखुं आपण लग्न जहाँ भी आपे रिक्वयरमेंट रखुं मेरेज पर कमी आपको मेरेज आप मेरेज पर कौन विलंब रोचे कहीं रोच देखापी लग्न को इनिशियाली देखु लग्न केत स्ट्रंग अच्छे लग्न उपत पाप प्रभाव रोचे सेकेंड हाउस परिवार स्थान परिवार रे आपन को केते आपन को सपोर्ट मिलुची मैरिज लाइफ रे सेकेंड हाउस रे जदि शुभग्रह को प्रभाव रहुची तले बहुत बड़ा सपोर्ट आपन को मिली परिबो आपन को फैमिली रे आपन को मैरिज लाइफ पई बहुत पॉजिटिव रहइबो फोर्थ हाउस आपन को डोमेस्टिक हैप्पीनेस मानसिक शांति जा मैरिज लाइफ रे आपन को रहुची उभय को मध्यर कंपैटिबिलिटी से सब जिन को देखिया पई फोर्थ हाउस को देखा जाए
केते स्थिरता रहुची मैरिज लाइफ रे देखिया पई फोर्थ हाउस को देखा जाए। फोर्थ हाउस रे जदि बृहस्पति शुक्र चंद्र एवं शुक्र बुध जदि पोजिशन रखुचंती फोर्थ हाउस रे तले बहुत पॉजिटिव रहइबो आपको मैरिज लाइफ पारिवारिक सुख शांति बहुत भल मिली परिबो आपको। जदि फोर्थ हाउस रे नेगेटिव प्लैनेट रे इन्फ्लुएंस होउची पाप ग्रहंकर प्रभाव रहउची जिंते कि सूर्य केतु राहु शनि जदि पोजिशन रखुचंती मंगल जदि फोर्थ हाउस पोजिशन रखुचंती तले अधिका नेगेटिव रहइबो किछि ना किछि समस्या आपको सहित प्रत्येक समय लागिक रहइबो किछि ना किछि डिसीजन आपको द्वारा हेइजिबो से देखु फोर्थ हाउस जो नेगेटिव अच्छी तेल मैरेज लाइफ आपड़ स्ट्रगल करेंगे लाइफ रे से देखु फोर्थ हाउस के पॉजिटिव अच्छी फोर्थ हाउस नेगेटिव अच्छी जदि नेगेटिव अच्छी प्रिकॉशन नियंतु प्रतिकार करूँ बहुत पॉजिटिव हो पार आप मैरेज लाइफ आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो सर नमस्कार सर नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु भाई जन्म तारीख सर 20 अक्टूबर 1990 सर 20 अक्टूबर 1990 सर समय कोन तो समय सर रात्रि 12टा 12 सर सकाळ हेले 20 तारिख रहिबो कि 21 तारिख हबो ना सकाळ रे सर 21 तारिख होइ छला अच्छा जन्म स्थान कोन तो जन्म स्थान सर बालेश्वर सर सर से टिक मैरिज विषय जानै पय जाउ छै अच्छा अच्छा मैरिज विषय जानै चाहौ छथि अपन राशि रही तुला राशि विशाखा नक्षत्र तुला राशि सोलह बाई सात तुला राशि लॉर्ड शुक्र जातक फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच दाम्पत्य सुख काराग्रह स्त्री काराग्रह शुक्र फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच बहुत स्ट्रंग अच्छी मैरिज लाइफ बहुत भल रही आप मैरिज आप संबंध मैरिज पार्टनर बहुत भल मिल पारे कहीं सेभेन्थ हाउस लॉर्ड शनि सिक्स हाउस पोजिशन रखुच्छे किंतु वर्तमान समय मैरिज पर जहाँ भी आप प्रोसेस कर स्लो हो जाम्ब हो जा शेष मुहूर्त आगे बढ़ी पार ना शेष मुहूर्त भांगी जा वर्तमान समय जो देखा बुधर शुक्र चलती बहुत भल मेज समय आपन को 27 फरवरी 2022 परे बहुत भल समय घर टू उत्तर पूर्व दिगरे आपको मैरिज हम मैरिज पार्टनर बहुत भल मिल पारे जीतु दाम्पत्य सुखर काराग्रह शुक्र स्त्री काराग्रह शुक्र सौग्री अवस्था फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे बहुत भल आटीच्यूड आपको मैरिज पार्टनर मिल पारे बृहस्पति लग्न पोजिशन रखुच्छे से गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो सफेर पिंधु आप मैरिज लाइफ आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहइबो जेतु आप जातक सेभेन्थ हाउस राहुल प्रभाव रोचे शनि प्रभाव रोचे से वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ एवं पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसारम सागर शेकुलोद भवाम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करातु बहुत शीघ्र मैरेज हम बहुत भल मैरेज पार्टनर मिल पारे आपको आउ जड़े कलेज जाजपुर सहित कथा हेलो 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 कॉलटी कटि दर्शक बंधु आलोचना को आसवा जमीक आम आलोचना करवाहिक दाम्पत्य जीवन उपर बहर सुख आपति मिल पार आलोचना करेक करातक बहुत समय आप प्रश्न आज को लेकिन मैरेजर जोग केमती रोचे आपको केमती मैरेज पार्टनर आपको मिल पारे से देखुं लग्न कहीं लग्न आपे इंडिविजुआली जब भी रिक्वायरमेंट रखुच्च लाइफ रे पाइबापी देखुं लग्न लग्न केंग अच्छी मैरिज लाइफ लग्न को देखा दरकार लग्नाधिपति लग्न जदि स्ट्रंग अच्छी तेल आपंकर डिसीजन मैरिज लाइफ बहुत पॉजिटिव रग्न जी अस्त अच्छी लग्न जी पापकर्तरी जुगर अच्छी पाप प्रभाव अच्छी आप स्ट्रगल करेंगे आपड़ जहाँ भी डिसीजन ने मैरिज लाइफ नेगेटिव हो सेकेंड हाउस को देखु कहीं परिवार स्थान को मुख्यतः तो फोकस करवा दरकार सेकेंड हाउस केते बेनिफिक प्लानेट रोचा केते शुभ प्रभाव रोचे जदि शुभ ग्रह प्रभाव रोचे सेकेंड हाउस तेज़े बहुत भल संपर्क रपर पर मैरेज पर सेकेंड हाउस नेगेटिव प्लानेट रोचे आपड़ स्ट्रगल करेंगे पर सपोर्ट बहुत कम मिल ना कि नेगेटिव रैरेज लाइफ आपंकर सेकेंड हाउस को देखो सेकेंड हाउस जो बहुत स्ट्रंग अच्छी सेकेंड हाउस कारक बृहस्पति जदि स्ट्रंग अच्छी
ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିଲି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ହ୍ୟାଲୋ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶି ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୈବାହିକ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। 2022 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ 10 ଜୁନ୍ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ। ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯଥାର୍ଥମ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମାମ କୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରେ ୟେଲୋ ସଫାୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସୁଖସ୍ଥାନ, ଯଦି ସୁଖସ୍ଥାନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଦୁଃଖ କାରାଗ୍ରହ ବିଶେଷ କରି ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମନ ମୁଟାବ ଲାଗିକି ରହିବ। ଯଦି ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହାଉସ୍। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନସିକ ସୁଖ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଉତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୁଖ କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ରହିବ। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ରହୁଛି, କେମିତି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ରହୁଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗକୁ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।